أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، मैं हूँ आपका प्रोफेसर प्रोफेसर तारिक नईम अपने यूट्यूब चैनल दी ओरिजिनल लेक्चर इन वीडियो। अच्छा, आपको आज की वीडियो में ये भी बताते चलूँ कि मेरे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसके जो नाम हैं वो तीन मुख्तलिफ नाम हैं, तारिक लेक्चर्स एंड वीलॉग्स, इसके अलावा दी ओरिजिनल लेक्चर एंड वीलॉग्स। तो इन नामों से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर और अपने मकसद की वीडियो देख सकते हैं। इस पर तालीमी वीडियो भी हैं और वीलॉग्स भी मौजूद हैं जो आपके एंटरटेनमेंट के हवाले से और मालूमात के हवाले से हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, और इसके अलावा कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। टॉपिक के हवाले से कोई कमेंट्स करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहें कर। चलें टॉपिक की तरफ। इंडस्ट्री का शोभा आज हमने आपके लिए मुंतखब किया है इस वीडियो लेक्चर में। देखें, आपने कंपनी या कारखाने का नाम तो बहुत सुना होगा। कंपनी कारखाना होते क्या है? कंपनी कारखाना एक्चुअली सनत और हरफत होते हैं। ये सनत और हरफत ही जो है इसको हम इंग्लिश में इंडस्ट्री कहते हैं, वी से दैट इन इंडस्ट्री। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। एनी सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी ऐसा मुनज्जम मुआशी सरगर्मी, उसको हम जो है वो इंडस्ट्री कहेंगे। एनी ब्रांच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, कोई भी ब्रांच, कोई भी शाख जिसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से हो और ट्रेड से हो। आपको कोई पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और ट्रेड क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि खाम माल को आप एक ऐसे माल में तब्दील कर रहे हैं जिसको आप यूज कर सकें। ट्रेड क्या है? खरीदो फरोख्त। इसके अलावा एन इंडस्ट्री इज अ कमर्शियल अंडरटेकिंग दैट प्रोवाइड सर्विस लाइक कैटरिंग, होटलिंग, टूरिज्म ईटीसी एंड प्रोड्यूस गुड्स लाइक फैंस, कार्स, बैग्स ईटीसी। यानी कि आपको जो है वो सर्विस गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस लाइक आप हॉस्पिटलिटी की सर्विस जो टूरिज्म सर्विस भी कहलाती है, इसके अलावा कैटरिंग सर्विस झाती भी है, दीगर डेकोरेशन सर्विस, इसके अलावा मेडिकल सर्विस, एजुकेशन सर्विस, एजुकेशनल सर्विस भी प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा गुड्स क्या आप बैग्स बनाते हैं, कार्ड्स हैं, फैंस हैं और दूसरी अशिया और तमाम की तमाम आपको यूजफुल थिंग्स में आपको मिल रही हैं, तो सनअत और हरफत या इंडस्ट्री के थ्रू वो आपके पास आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसका एक नॉट इम्पॉर्टेंट बाय बता दूं कि इंडस्ट्री है कि अफाम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियल, यानी कि डेफिनेशन है छोटा सा मुख्तर सा खुलासा है कि अफाम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस। यानी कि एक इंडस्ट्री है क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ऐसी चीज को डेवलप करते हैं जिसको आप जो आपके लिए मुफीद हो, यूजफुल हो एंड दैट यू कैन यूज, दैट इज अबाउट टू योर नीड। ठीक है, इसको आप आगे इस तरह मजीद समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रीज आर आल्सो सेटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, खाम माल को कन्वर्ट करता है इनटू यूजफुल वन जो कि आपके लिए फायदेमंद, जो भी यूज फॉर एग्जांपल कॉटन टू थ्रेड, कॉटन से थ्रेड बना रहे हैं, थ्रेड टू सूत, सूत यानी कि सूत बनाया जाता है, फिर सूत को जो है क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है, क्लॉथ को जो है कन्वर्टेड इनटू ड्रेस। इट इज सेटेड बाय ग्रुपिंग लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि इसको हम बैंकिंग ग्रुपिंग के लिहाज से भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। इसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टेक्सटाइल में बहुत सारे शोबे होते हैं, वीविंग का, स्पिनिंग का, थ्रेडिंग का, बहुत सारे शोबे होते हैं, तो ये ग्रुप के लिहाज से भी इसको बयान कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपका लेक्चर आपको आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सवाल पूछना चाहते हैं करें और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वस्सलाम।